आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू। राजन बिचारे ने लगाया ठाणे जिले के मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप। ठाणे जिले सहित ऐरोली, बेलापुर, ठाणे शहर, कोपरी पचपाखरी, कलवा, मुमरा और मीरा भाईंदर जिले में मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी हुई है। अधिकारियों और प्रशासकों के आशीर्वाद से डमी और फर्जी मतदाताओं की घुसपैठ की गई है। इस बाबत साक्ष्य उपलब्ध कराने के बावजूद नाम नहीं हटाया गया है, इसलिए शिवसेना नेता राजन विचारे ने जिला कलेक्टर से लिखित जवाब देने की मांग की है। साथ ही इस दौरान चेतावनी भी दी है कि दो दिन में मतदाता सूची में पारदर्शिता लाए नहीं तो महाविकास अघाड़ी जिलाधिकारी कार्यालय सभागृह में धरना देगी। हाल ही में हुए आम लोकसभा चुनाव में ठाणे लोकसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में फर्जी वोटिंग होने के कारण फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर सहित चुनाव अधिकारियों से बार बार मुलाकात की गई। इस दौरे के दौरान ठाणे लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा निर्वाचन सूचियों में फर्जी नामों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से खोजा गया और सॉफ्ट और हार्ड कॉपी कलेक्टर को सौंपी गई। उस समय अधिकारियों को सभी डुप्लीकेट नामों को बाहर करने का आदेश दिया गया था, लेकिन 1,93,302 में से 4,119 डुप्लीकेट नामों को बाहर करने पर प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं किए जाने पर राजन विचारे ने खेद व्यक्त किया है। 11,961 नाम बाहर करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के CEO से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन चुनाव की घोषणा हो चुकी है और राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक नाम बाहर करने की अनुमति नहीं दी है, इसलिए स्पष्ट लिखित स्पष्टीकरण दिया गया है। सांसद राजन विचारे ने प्रशासन को लेकर खेद व्यक्त किया है, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों को बार बार इस बात का प्रमाण दिया है कि ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में नए पंजीकृत मतदाताओं के नाम अलग अलग सूचियों में दर्ज करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस बीच विचारे ने चेतावनी देते हुए कहा कि पहले दोहरे वोटरों के सबूत के तौर पर दस्तावेज दिए जाते थे, अब वे दोहरे वोटरों के नाम के साथ सबूत लेकर आएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ातरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही।